वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑन दी चैनल शेयर बाजार डॉट कॉम। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर ग्रुप शेयर के बारे में। ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने फ्यूचर ग्रुप के शेयर में इन्वेस्ट कर रखे हैं। साथ ही मैं आपको बता दूंगा, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको जो पूरी जानकारी जो है गाइस विस्तार से मिल पाए। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा, NCLT ने जो है ऑर्डर को अभी रिजर्व में रखा है और जो इंसॉल्वेंसी के लिए केस फाइल किया गया फ्यूचर रिटेल का, उसमें जो है आपको प्रोसीजर जल्दी देखने को मिल सकता है। कंपनी ने जो 27 जून को जो रिजर्व किया था इसके ऑर्डर को और जो आगे के लिए जो गाइस इसको बढ़ा दिया गया है बैंकरप्टी प्रिंसेस को, अभी जो है गाइस स्टार्ट नहीं हुआ। जैसे ही ये गाइस स्टार्ट हुआ इसके बारे में मैं आपको जो है अपडेट दे दूंगा। साथ ही मैं आपको बता दूँ गाइस, अगर आप लोगों में से जिनको स्टॉक रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज रहती हैं तो गाइस आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो शेयर बाजार डॉट कॉम, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको उसी तरीके से रेगुलरली अपडेट वीडियो मिलता रहे। साथ ही मैं आपको बता दूँगा, फ्यूचर ग्रुप जो है काफ़ी ज़्यादा लीड कर रहा है लूजर्स में, यानी कि काफ़ी ज़्यादा गाइस स्टॉक की प्राइस में जो गाइस कमी आ रही है और कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है। और फ्यूचर ग्रुप का फ्यूचर रिटेल का जो प्राइस है गाइस वो 4.9% तक जो प्रेस हो गया है, 6.85 पर पहुँच चुका है। साथ ही मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो अमेजोन की तो बड़ी कंपनीज हैं उनके खिलाफ जो है गाइस केस फाइल किया है CCCI ने, और उसको जो गवर्नमेंट बॉडीज पे जो है वर्क कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ पे जो ये गाइस फ्रॉड कर रहे हैं। इसके बारे में जानकारी आते ही मैं आपको जो है अपडेट करा दूँगा। इसके बाद का जो गाइस महत्वपूर्ण अपडेट है वो ये है कि अमेजोन ने जो है फॉरेंसिक अपडेट मांगा है, ऑडिट मांगा है फ्यूचर ग्रुप के स्टोर जो ट्रांसफ़र हुए हैं रिलायंस ग्रुप के रिगार्डिंग, कि उन्होंने बोला है कि इन्होंने जो लीगली तरीके से अपने शो जो गाइस ट्रांसफ़र करे हैं जो कि गाइस अवैध है। और यहाँ पर फ्यूचर ग्रुप के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने इसको जो है गाइस पूरी तरीके से निषेध बताया है और गलत बताया है। गाइस यहाँ पर जो इस चीज़ से सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है वो रिलायंस को है, 4800 करोड़ का, और उन्होंने 50% से ज़्यादा स्टोर जो है टेक ओवर कर लिए, और जितना भी जो गाइस स्टाफ है लीगली वो बिलोंग करता है बैंक को। तो आज अगर कंपनी जो है गाइस NCLT में जाता है तो यहाँ पर फ्यूचर रिटेल काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में रहने वाला है, और अदर कंपनी जो है गाइस काफ़ी ज़्यादा यहाँ से बेनिफिट उठा सकती हैं, और ये जो है गाइस काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग जर्नी होने वाली है, और फ्यूचर लाइफ स्टाइल को डिफॉल्टेड जो है गाइस अभी नहीं रखा गया है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही बात करूँगा फ्यूचर रिटेल के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गाइस आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।